जय सेवा, जय गुणवाना, जय फड़ा प्रेम। मैं शंभु गुण कोहचाड़ा महाराष्ट्र नागपुर से आपकी सेवा में हाजिर हूँ। नेंड मावा लिंग अनि नेंग लिंग नाल नेंग अमोट किंतुरो माकोन नेंड हित भेताना मंदा कि मावा रीति रिवाज मावा नेंग हित बहुन रे मानता अमोट जो भी काम किंतुरो हत काम मावा नेंग अनि लेंग ने रे मानता सभे सगा जनकुन अना सेवामान किंतुना फड़ा पेंता सेवा सेवा माँ दाओ ना शंभू ना सेवा सेवा दाई कली कंकाली ना सेवा सेवा जंगो दाई ना सेवा सेवा पहानी पारी कुपार लिंगो ना सेवा सेवा औने पाटाली हिला सुकाना सेवा सेवा मौर चौथो गुरु कुवारा मुंडारा भीमाल पेंतुन सेवा सेवा जलम सीए अवार बाबुन सेवा सेवा अवने साराय सगा बिडार तुन सेवा सेवा नेंड जो अमोट इगे वातोरो गोंडवाना दर्शन हित माकुन उन्हीं वड़काना प्लेटफॉर्म शीतल मंदा हित गोंडवाना दर्शन दा अमोट वल्ले वल्ले आभारी मदरो सेवा मान किंतुरो नवा काम पाटंग ले किया ना अपोता संस्कृतित फरो पाटंग ले किसी कुन हदु नवा लिंगो जंगो गुंडी आरक्षता माध्यम दे मावा सगा जन्दा मुन्ने प्रस्तुत किया ना हित नवा काम मंदा अना मिकुन ये दिया कि जन्म आनी मावा सायना अनमड़मीना हिज जो प्रक्रिया मंदा तान मावाई गे उन्दी हर नेंग ना हिसाब ने अमोट किंतु रोम हर नेंग उन बिस्कुल किंतु रोम कहते हैं संस्कृति कला एवं साहित्य इन सब का आपस में गहरा संबंध है, इसीलिए इनकी चर्चा होना बहुत ज़रूरी है। और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मैं सबसे पहले हमारे जन्म के बारे में थोड़ी वो जानकारी जहाँ इस महाराष्ट्र में बाजू में तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, एमपी है, इधर गुजरात भीलवाड़ा लगा हुआ है, तो यहाँ पे जो चलता है सभी का मिश्रण है। यहाँ तो हम लोग पुराने सीपेंड बेरा और उसके पहले गोंडवाना प्रदेश में रहते थे, आज 1960 से यहाँ महाराष्ट्र में रह रहे हैं। तो हमारे यहाँ जब नए जीव का आगमन होता है, तो बड़ी खुशियाँ लेकर वो नया जीव आता है। तो देखिए हमारे गाँव में, हम विदर्भ से है, तो अगर किसी के यहाँ नया जीव आता है तो वह उनके रिश्तेदारों में, उनके सगा कुटुंब में जो दूर दूर रहते हैं, अड़ोस पड़ोस में भी रहते हैं, तो उनके यहाँ हमारे नगारची दादा जो हैं वे अपना बाजा लेकर जाते हैं और बाजा बजाते हुए उनके घर के सामने में नाचते हैं और उनको जताते हैं कि भाई आपके कुनबे में एक नए जीव का आगमन हो चुका है, तो उसकी खुशी और खुशहाली के बारे में हम लोग आपसे कुछ मांगने आए हैं,
इस खुशहाली को हम लोग दुगना करने आए हैं, तो आप हमें सेवा का मौका दीजिए और आप हमारी सेवा कीजिए। तो उनके घर के सामने में बाजा बजाया जाता है। बाजा बजाने के बाद में वो जो ताल होता है, वो ताल जो होता है वो उस खुशी के माध्यम से होता है, उस खुशी को जाहिर करने का होता है। तो वो गाना तब बजाते हैं वो लोग। तो कई पुराने लोग तो चले गए, वो गाना मुझे याद नहीं है, लेकिन फिर भी अभी भी वो ताल, वो सुरनई के माध्यम से वो लोग खुशी का इजहार करते हैं। और ऐसे ही हर घर में, उन कुनबा के हर घर में जाते हैं और उनसे अपना नेंग दस्तूर लेते हैं। इसी दरमियान बच्चा जच्चे की परवरिश दो तीन दिनों तक जो चलते रहती है, उसी दरमियान ये भी बात होती है कि बच्चे की जो नाल होती है, जिसको मोट बोलते हैं हम लोग गोंडी में, तो उस मोट का गिरने का इंतज़ार करते हैं। वो तीन या चार दिन में गिर जाता है, उसको हमारे लोग उसकी पूजा अनुसार, उसका गोंगो अनुसार एक कार्य करते हैं। वो कार्य है, उसको कहते हैं इधर पांचवी भी कहते हैं, एमपी छत्तीसगढ़ और एरिया में उसे छठी भी कहते हैं। तो उस दरमियान में यही बात होती है कि वो नाल जो होती है वो तीन चार पाँच दिनों के अंदर गिर जाती है। पांचवे या छठे दिन घर की साफ सफाई कर वहाँ पे एक कार्यक्रम रखा जाता है। उस कार्यक्रम को हमारे विदर्भ में सोबनी कह के कहते हैं। और वो सोबनी करते वक्त में ये घर की पूरी साफ सफाई हो जाती है और उस सोबनी में करीबी मेहमानों को बुलाया जाता है। और मामा जो होता है सोहराल, वो सोहराल उस बच्चे की मुंडन या कुछ बाल निकालता है। तो सोबनी के वक्त में उसे भी मान सम्मान के साथ में नवाजा जाता है या उसको उसकी सेवा की जाती है। तो उसमें गाने गाए जाते हैं। तो वो लोग मजाक में गाने गाते हैं, माँ बहना पीर नोनता हो न डुम कुडुम, माँ बहना पीर नोनता, माँ बहना पीर नोनता न डुम कुडुम, माँ बहना पीर नोनता। तो बीच बीच में तकलीफें जो होते रहती है, हमारी माता जो एक गर्भवती होती है, तो उस दरमियान में उसको बच्चों का एक चहल पहल का, उसके टहलने का, उसकी आवाज़ का उसे एहसास होता है और वो उसे महसूस करती है। तो बाकी के जो भी है हमारी एक मातृशक्ति, उसके साथ में मजाक करते रहती है कि क्या कहती है, माँ बहना पीर नोनता न डुम कुडुम, माँ बहना पीर नोनता, माँ बहना पीर नोनता न डुम कुडुम, माँ बहना पीर नोनता। तो ये दर्द होता है, दर्द होने के बाद में जब बच्चा होता है उसका, उस खुशी का इजहार वो लोग करते रहते हैं। और इस कार्यक्रम में, इस छोटे से सोवनी के कार्यक्रम में जो बच्चों को एक खाना खिलाया जाता है, उसको बोलते हैं मोट घाटो। ये जो मोट घाटो होता है, मोट घाटो में बच्चों को लेकर आते हैं, कुछ बच्चे जो लेकर आते हैं खाना खिलाने के लिए, उस कार्यक्रम में सम्मिलित करने के लिए, और उन्हें एक मच्छी लाते हैं, मछली है जो लेकर आते हैं। मछलियाँ लाने के बाद में उसको कुछ पकाया जाता है और कुछ कच्चे ही वो मोट के साथ में हमारे आंगन में उसे गड्ढा करके दफनाया जाता है। दफनाया मीन्स एक रखते हैं उसकी सुरक्षा के लिए, और वहाँ पे एक दिया जलाते हैं। तो इस दिए से मुझे याद आता है कि हमारे बीमाल पेन की जो एक इस विदर्भ के क्षेत्र में
एक हाथों में दो हाथों में आग लिए अप्रैल में या मार्च के एंड में चैत पंचमी जब आती है, तो उस पंचमी के दिन इधर यहाँ उसे खापरी बोलते, डोबरी बोलते हैं, और भी एक आग का जो एक डांस है उसको वो लोग करते हैं। तो उनके घर के आसे लेकर आते हैं, तो भीमाल के पास में लाते हैं। तो मुझे याद आता है कि शायद तब इन्होंने, तब मशाल का ज़माना था, तो उस चीज़ को भी हमारे लोगों ने एक अच्छे तरीके से, रीति रिवाज से, उसे मान सम्मान के साथ में एक अपनी जगह उसे प्रदान की है, जिसे एक गड्ढा करके रख देते। शायद हो सकता है कि कोई जानवर से उसे बचा पाए। हम लोग अगर बचाने का भी तरीका है तो हम लोग इसीलिए बचाते हैं कि वो हमारा जीव है, उसके ऊपर में हम लोग दिया रखते हैं। तो दिया बड़े पैमाने पर रखते हैं, और पहले मशाल जलाते थे, और इसीलिए वो जो मिट्टी का बर्तन होता है उसमें आग जलाते हैं। आग जलाकर उसको नाचते हुए ले जाते हैं, तो वहाँ पे गाना बजाते हैं, तो भीमाल पेन का गाना बजता है, दरी 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 रा दरी रारी दरी रा दरी ररी रारी रे दरी रारी दरी रारी दरी रारी दरी रारी रारा दरी ना दरी रारी दरी रारी दरी नारी दरी रारी रारे नी रारा दरी ना दरी रारी दरी रारी। तो वो जो हमारे नगारसी दादा उसे बजाते हैं और लोग नाचते हुए जाते हैं, तो भीमाल तर्ज एक बनती है। वो जो धुन है वो बड़े उल्लास और उमंग के साथ में दो हाथ में वो अंगार लेकर नाचते हैं, और बड़े सुंदर तरीके से नाचते हैं। देखना अगर है तो आपको नागपुर पारशिवनी कुवारा भीमाल भीमगढ़ में आना पड़ेगा। जिस दिन वो पंचमी होती है उस दिन ये जो छोटा सा फंक्शन होता है बड़ा सुंदर होता है, लेकिन इतने गर्मी में भी नागपुर विदर्भ में, नागपुर वर्धा अमरावती इन जिलों में इस खापरी का चलन है। तो आप जहाँ कहीं भी हो तो आप ज़रूर एक हाथ बार देखिए। शायद किसी एक वीडियो में आपने देखा होगा कि हाथ में अंगार लेकर नाच रहे हैं। तो ये जो प्रक्रिया है ये हमारे उस भीमाल पेन से प्रेरित हुई है, ऐसा मुझे लगता है। वैसे ही यहाँ पे अगर गाने गाते हैं, इस प्रोग्राम में गाना जब चलते रहता है, तो बच्चे को एक झूले में डालते हैं, मामा आता है, मामा क्या करता है, तो मामा उसके बाल निकालता है और उसे शुद्ध करता है। तो उसका वो सोहरा भी होता है, उसका मामा भी होता है। कहते हैं ना कि दो माँ से मामा बनता है, तो सही में मामा का बड़ा योगदान होता है। इस मामा को हम लोग सेवा जोहार करना चाहेंगे। नारी का अपने आप में कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं, नर के साथ मिलकर ही वह पूर्ण होती है और मातृत्व का पद पाती है। यह प्राकृतिक है और मामा उसका हकदार होता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि चार पांच दिनों के बाद में जो फंक्शन होता है वो सोबनी कहलाता है। हम लोग सोबनी कहते हैं, और यहाँ पे उसके ऊपर में उस खुशी में एक गाना गाते हैं। तो बच्चे को एक झूले में डालते हैं या गोद में देते हैं, तो तब गाना गाया जाता है इस नागपुर एरिया में। जर 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 झोंका सी में बार तीन तभावे भी में के नावे सांगो हुड़ा नावे सांगो दे सांगो नरोन मंदा नेंडे सोबनी सुहानो इंगा सोबनी सुहानो दे सांगो नरोन मंदा नेंडे सोबनी सुहानो। जर 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 जो काशी में बार तीन तभावे भी में केंजा नावे सांगो हुड़ा नावे सांगो दे सांगो नरोन मंदा नेंडे सोबनी सुहानो इंगा सोबनी सुहानो दे
सांगो नरो ने मंदा नेडे सोबनी सुहानो। तो ऐसे कई प्रकार के गाने गाए जाते हैं और उस इस छोटे से हमारे कार्यक्रम को, इस नेंग को हम लोग खुशहाली के साथ में मनाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अलग अलग क्षेत्र में इसे अपने अपने तरीके से मनाते हैं, लेकिन एक जनरली जहाँ एक हमारा एक कुनबा है, कुनबे में जैसे भी अभी चलते आ रहा है उसे मनाया जा रहा है और इस नए जीव का आगमन होता है, उसके खुशहाली में उसका स्वागत करने हेतु ये सब बातें होती है। तब ये बच्चा अगर अपने मायके में है तो यहाँ पे करते हैं, या ससुराल में जब जाता है तो ससुराल में उसका आगमन जब होता है, मायके से लड़की अपने इस नवजात शिशु को ले जाती है, उसके अपने संगी के साथ में वो जब लेने आता है तो वो पहुँचते हैं तो उनका स्वागत अपने ससुराल में भी उनके रिश्तेदार, इस नाती के रिश्तेदार, उसका स्वागत एक रोटी का टुकड़ा या रोटी या कोई खाने की चीज़ें ऐसी होती है जो दरवाजे पे वो लोग आते हैं तो उसके ऊपर से ऐसे घुमाते हैं और वो किसी जानवर को डाल देते हैं और पानी भी फेरते हैं। तो ये टोने टोटके होते हैं, एक स्वागत करने का एक तरीका होता है हमारे में। तो इस तरीके से हम लोग उसका स्वागत करते हैं ससुराल, यानी लड़की के ससुराल में, यानी वो अपने पैतृक गांव में या घर में आता है तो उसका स्वागत भी उतने ही जोरों शोरों से होता है। ऐसे ही और भी हमारे इस क्षेत्र में इस चीज़ों को मनाया जाता है जो आप सभी को पता है। अभी हम लोग इस बात को बताना चाहेंगे कि समाज में यदि सही अर्थों में समाज बनाना है तो नारी को व्यक्ति स्वतंत्रता के पूरे अधिकार देने होंगे, क्योंकि नारी से ही संसार में सुख शांति तथा समृद्धि की उत्पत्ति है। अब यही से ऐसे ही ये जो कार्यक्रम निभाते हैं, हम लोग करते हैं अच्छे तरीके से, तो एक इंसानियत की जो छवि होती है वो उभर कर आती है। मैं शंभुगौड़ आपसे सेवा करना चाहूँगा कि ऐसे ही एक हमारे पास में जो एक क्रियाक्रम होता है वह भी कुछ नेंग दस्तूर के साथ में होता है। तो जिस घर में दुखद घटना होती है तो वहाँ भी हमारे सोयरों का बड़ा कर्तव्य होता है। देखिए अभी हम लोग जन्म से अभी मृत्यु की तरफ में आ रहे हैं, इसके बाद में हम लोग एक सगाई की तरफ में, सोयरी की तरफ में और शादी की तरफ में बढ़ेंगे। तो ये छोटी सी बात है, यहाँ के दुखदाई घटना में जिस घर में होती है वहाँ सोयरे जाकर अपने करीबी लोगों को, रिश्तेदारों के जिस घर में घटना होती है उनके रिश्तेदारों को ये खबर देते हैं और खबर देकर उन्हें आगाह करते हैं, बताते हैं कि आपको समय देते हैं, आगाह करना में समय देना है कि इस समय पे हम लोग मौत मिट्टी देने वाले हैं आपके रिश्तेदारों को, तो आप उस समय पे ज़रूर पहुंचिए। तो खबर पहुंचते ही वो सब रिश्तेदार वहाँ आ जाते हैं और हमारे जो सगा सोहरे होते हैं, जो सगा तमु होते हैं, ये बाजार हाट करने जाते हैं, वहाँ से बाजार लेकर आते हैं और उस मृत व्यक्ति को घर के लोग गर्म पानी के साथ हल्दी डालकर उसे
नहलाया जाता है। पुरुष जो होते हैं वो यहाँ पे अर्थी बांधने का काम करते रहते हैं। ये सब होने के बाद में उस मृतक व्यक्ति को उस अर्थी पे लाया जाता है और कपड़े वपड़े पहनाने के बाद में जो भी एक रीति रिवाज है, जो भी कपड़ा पहनाते हैं वो पहनाने के बाद में अर्थी पे रखते हैं और उसको हल्दी का तिलक कम का लगाते हैं, पुंगार डालते हैं या उसकी माला बनाते हैं और हमारे सगा तमु जो होता है उनका, जो जिस भी कुनबे का व्यक्ति मृत होता है उसे पहला कांदा जो देता है, उसका बेटा हो भाई हो जो भी बड़ा होता है वो आगे होता है और सभी सगा समाज मिलकर उसे कांदा देकर आगे बढ़ते हैं। और अंतिम दर्शन के लिए एक विसावा होता है शमशान घाट के पहले, वहाँ पे रखा जाता है। वहाँ जब यहाँ से निकलते हैं तो उसके साथ में एक सीधा आटा यानी खिचड़ी का साहित्य देते हैं, दाल चावल और एक रोटी नुमा एक जाड़ी रोटी बनाते हैं वो भी रखते हैं। तो जब विसावा आता है तो विसावा के जगह में ये हम सबको पता है तो गुणों में भी इस तरीके से पहले से जो चलते आ रहा है उसको हम लोग निभा रहे हैं। तो वहाँ रखते हैं और वहाँ से उसे बताते हैं कि भाई अब तक यहाँ तक आपका ये जो सीधा आटा था, ये जो अन्न था, यहाँ तक ही था, या हम इसे रखते हैं। और रखने का कारण ही वही होता है कि अब यहाँ से आपका और हमारा नाता, अन्न का जो नाता है वो टूट चुका हुआ है, तो आप आगे आपका मार्ग सुकर है। तो वहाँ से जो कांदा देने के लिए शुरुआत में आगे रहते हैं वो पीछे, और जो पीछे रहते हैं वो आगे आते हैं और उसे हम स्मशान लेके जाते हैं। वहाँ ले जाने के बाद हमें बताने का तात्पर्य यही है कि ये इसके पीछे ये बताने का कारण क्यों है कि अभी हमारे यहाँ थोड़ा चलन कई लोगों ने मृतक व्यक्ति को अग्नि देना शुरू किया है इन 40-50 सालों में, इसीलिए इसके ऊपर में हमें बात करनी है। तो मैं आपको बताना नहीं चाहता हूँ, आपसे मैं चर्चा कर रहा हूँ। यह स्मशान घाट में ले जाकर उसे एक बाजू में रखते हैं जहाँ गड्ढा किया होता है, जो गड्ढा भी करते हैं तो हमारे यहाँ से जो सोयरा होते हैं वो साथ में सब्बल लेके चलते हैं, क्यों, ताकि उसी सब्बल से हम लोग खुदाई करें या जो भी साहित्य होता है खुदाई करने का वो लेकर चलते हैं। और वहाँ पे गड्ढा करने के बाद में उस गड्ढे में नमक और नीम की पत्तियाँ ये जो होती है इसे बिछाया जाता है और नीचे में हमारे कोई रिश्तेदार जो होते हैं वो नीचे जाते हैं और ऊपर से फिर उस मृतक व्यक्ति का शव उनके हाथ में देते हैं और वो शव को बड़े मान सम्मान के साथ में रखा जाता है और उसके ऊपर फिर कोई हम लोग कहेंगे उसके कोई पान या कोई पत्तियाँ जो होती है उसमें पानी लेकर उसका एक डोना बनाते हैं, वो डोना बनाकर उसमें पानी लेकर उसे धीरे धीरे अर्पित करते हैं। यहाँ पे उसे पिलाने का एक रस्म है, एक नेंग है, उसको हम लोग करते हैं। बाद में घर का व्यक्ति जो होता है वो उसे पहले मिट्टी देता है, मिट्टी देकर वो सभी से मुख सहमति दर्शाता है कि आप अभी मिट्टी इनके ऊपर इनको मिट्टी दे सकते हैं। तो ये जो हमारा नेंग चलते रहता है और पूरा होने के बाद में उसे थोप देते हैं चारों तरफ से, एक हम लोग ऊंचाई वाला हिस्सा बना देते हैं ताकि हमें वो नजर आए।
वो नजर आने के बाद में उसके गोल घूमते हैं, वहाँ कोई राल जलाते हैं या फिर अभी जो नए तरीके से कोई अगरबत्ती जलाते हैं, लेकिन वहाँ से जब गोल घूमते हैं और उस दफनाए हुए जगह पर जो एक टेकड़ा बनता है, एक ऊंचाई सा भाग बनता है, उसके ऊपर में सारे हार फूल डाल देते हैं और एक लकड़ी लेते हैं और जब वो उसको एक प्रदक्षिणा करते हैं तो उस लकड़ी को तोड़कर उसके उस सिर के पास में डालते हैं या फिर पैर की तरफ डालते हैं कोई तो, और उससे कहते उसे जय सेवा करते हैं कि भाई लकड़ी तोड़ कर डालना है ना क्या है कि आज से आपका और हमारा जो नाता था यही तक था, जो नाता था वो यही तक था, वो लकड़ी को तोड़ के छोड़ देते हैं और सबसे सेवा लेकर धीरे धीरे अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं। अब प्रस्थान करते वक्त में जब जाते हैं जिस घर में मृतक व्यक्ति का घर होता है, उस घर में यहाँ से वो जो पत्तियाँ होती है नीम की वो ले जाते हैं और वो सबको देते हैं। वो सबको इसलिए देते हैं कि हम लोग जिस मृतक व्यक्ति के साथ में गए हैं वहाँ पे हो सकता है कोई जीव जंतु का प्रभाव ना हो, कोई जीव जंतु का प्रभाव ना हो, इसलिए उस नीम का पत्ता दो एक दो जो भी जैसे भी जीने लगता है वैसे उसे चबाता है। चबाने से क्या होता है, ये प्रतिरोधक है, जो जम्स हम पे हावी ना हो, कोई भी जम्स अगर गलती से अगर आ जाते हैं तो वो जम हावी ना हो, इसीलिए इस नीम के पत्ती का, कड़वे पत्ती का हम श्रवण करते हैं, उसको खाते और फिर बाद में कोयला डाल के जो पानी देते हैं उसको कुल्ला करके हम लोग फेंक देते हैं, कुल्ला करते हैं। तो ये जो होता है तो इसमें भी हमारे पास में आयुर्वेदिक के हिसाब से प्रतिरोधकता एंटीबायोटिक का काम हमारे लोग जानते थे कि ये सब होने के बाद में आदमी कैसे शुद्ध होना चाहिए। सब शुद्धता होती है, घर वाले बाहर वाले जो भी होते हैं सब आए लोग अपने आप को पानी से शुद्ध करते हैं, इस पानी से और भी चीज़ें जो होती है जगह होती है वहाँ की उसे भी शुद्ध किया जाता है। इसके बाद में हमारे जो सोयरा होते हैं उनके यहाँ वो खाना ले जाते हैं, खाना क्यों ले जाते हैं, जिसे हम लोग कड़ू घाटो बोलते हैं, वो घाटो हम लोग उन्हें खिलाते हैं हमारे जो सोयरा के घर में मृतक व्यक्ति होता है उनके यहाँ। और सभी सोयरे जिनके उनके संबंध में जितने भी सोयरे होते हैं ये पहला काम करते हैं कि उनको अपने हाथ से खिलाएं, क्यों कि इस दुखद घड़ी में हम एक दूसरे के साथ में होना चाहिए, ये उसका तात्पर्य है। तात्पर्य ऐसा ही नहीं है तो उस दुख को उनके दुख को हम लोग कैसे कम करें, क्योंकि हमारे वहाँ पे तो बेटी भी दी है, हमारा जो भी रिश्तेदार उनसे संबंध आया हुआ है तो उस दुख को कम करने का एक प्रयास होता है। और इस अंत्यविधि को हमारे यहाँ दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन तक लगातार करते हैं। दूसरे दिन भी हम लोग चाय, नाश्ता, खाना ये करते हैं, फिर तीसरे दिन उनकी ओर से खाना रखा जाता है। हम लोगों में तीसरे दिन के अंदर ही पूरा कार्यक्रम हम लोग पूरा करते हैं। तो इस कार्यक्रम को, तीसरे दिन के कार्यक्रम को जब मृतक व्यक्ति के घर के लोग करते हैं तो उसको कहते हैं तुम कोटाना, तुम कियाना। तो ये दोपहर में 12 एक बजे के दरमियान में ये कार्यक्रम किया जाता है। वहाँ पे खुली जगह में, गांव के खुली जगह में जाते हैं और एक मातृशक्ति और पितृशक्ति की दो गुटे बनती है, दो समूह होता है और मातृ समूह एक और चला जाता है, पितृ समूह एक और चला जाता है। और वहाँ पे उस जगह हमारे जो भी
पूजा पाठ का साहित्य लेकर आते हैं। जो सोराल होता है वो ये पूरी बातें संभालता है और उस जगहों को पानी से पूरी तरह स्वच्छ किया जाता है ताकि सभी लोग बैठ सकें और वहाँ पे हम लोग अपने पूर्वज को जो इन्ना के जो पेन आतोर और पेन दुन आगे माखुन ईराना मंदा होना पूजा किया ना मूड पूजा था माध्यम थे और अपना जो पेन रे मानता हूँ उनके जो देव होते हैं उतने ही प्रकार के छः है तो छः, सात है तो सात, चार है तो चार, पाँच है तो पाँच, जो भी देव है उतने प्रकार के रख के वहाँ पे कंकर रखते हैं। जहाँ तक हम लोगों ने देखा है, आप लोगों ने भी देखा है, आप लोग देखते हैं ये चलन में चल रहा है, तो उसी को रखकर हम लोग जो एक कंकर रखते हैं और ऐसे ही एक छोटा अंडा भी रखते हैं जो उसका एक प्रतीक रहता है। अंडे का प्रतीक ही वो है कि अंडा जो होता है ये जीव निर्मित का एक प्रतीक है, क्योंकि ऊपर से वो सफ़ेद होता है, पितृशक्ति मातृशक्ति का वो एक प्रतीक हम लोग मानते हैं, ऊपर से सफ़ेद और अंदर से पीला होता है। तो अंडे का वहाँ भी वही महत्व है जो हम लोग अपने जीव से उसे जोड़ते हैं। साथ में हम वो जो पूजा करते हैं, जो चावल रखते हैं, हल्दी रखते हैं, जो एक हमारा जो सोयरा होता है या उस वक्त के लिए वो भूमकाल होता है, सोयरा का भूमकाल होता है समझिए, तो उस चीज़ को वो करता है। तो जो सोयरा करता है और वो बताता है सभी को कि इस तरीके से यह पूजा करनी चाहिए। हम लोग दाएं से बाएं की ओर जाते हैं, तो ये जो प्रक्रिया होती है हमारी, जो हमारे कई वक्ताओं ने बताया है, बताते रहते हैं कि हमारी जो वैल्यू होती है ये दाएं से बाएं ओर जाती है, तो उसी प्रकार हमारी पूजा ऐसे ही होती है। तो हमारी घड़ी का भी वही चलन है, क्योंकि हम लोग निसर्ग पूजक है तो निसर्ग के अनुसार ही सब कार्य करते रहते हैं। बाकी सभी लोगों को उल्टा लगता है, लेकिन निसर्ग के हिसाब से हम लोग पूरी तरीके से सही है। ये जो चीज़ें हैं हम लोग अभी करते हैं कि यहाँ पे तुम कोटाना होता है, तुम कोटाना होने के बाद वहाँ पे खाना होता है, खाना मीन्स खाना बना के ले जाते हैं वहाँ पे, एक नेवता बोलते हैं, निवत बोलते हैं उसको, वो निवत हम लोग रखते हैं। और वहाँ पे हमारे इरुक का एयर जो होता है, वो इरुक का एयर सब जो हमारे सगा तमु सगा सोयरे जो होते हैं वे लोग पूजा करने के बाद में वो हाथ धोने के लिए हाथ धोते हैं, पानी डालते हैं, उसके बाद में इरुक येर जो उनके हाथ पे डालते हैं, तो उससे ये बात होती जाहिर होती है कि कोई भी प्रकार का जीव जंतु हमारे हाथों में न लगे। जैसे कि अभी आपको पता है हाल ही में हम लोग ये जो बातें कर रहे हैं, ये बातें किस लिए कर रहे हैं, किसके माध्यम से कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, क्यों कि अभी कोरोना चालू है, कोरोना का प्रभाव बड़ा ज़बरदस्त है। लेकिन आपको बता दें कि पालघर ठाणे जिले में इस इरुक का एयर बना गया सैनिटाइजर करके, हमारे लोग तब भी इरुक का इस्तेमाल एक प्रतिरोधक करके किया करते थे। ये बात अलग है कि उसका इस्तेमाल सभी लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन हाँ सैनिटाइज करने के लिए आज वही इरुक हमारे काम में आया है, आते रहता है। जाने अनजाने में अगर हम लोग इसके ऊपर में बात करें, अगर सोचे देखें तो इरुक क्यों रखते हैं हमारे पूजा पाठ में, क्यों उसको पानी में भिगो के रखते हैं और उस इरुक के पानी को हम लोग छिड़कते हैं कि वहाँ पे कोई भी जीव जंतु का प्रभाव ना बने, हमें हानिकारक ना हो। अभी भी हमारे लोग इरुक एयर का सेवन जब करते हैं तो ये जो है एक बूंद हमारे धरती पर छिड़कते हैं तो उसे कहते हैं कि भैया तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, क्यों कि तूने हमें जो दिया है उसे हम लोग प्राशन कर रहे हैं, हम लोग श्रवण कर रहे हैं, तो तेरा बहुत बहुत शुक्रिया अदा
हम लोग करते हैं, तो उसका शुक्रिया अदा करना यह हमारा अपना फर्ज समझते हैं। ऐसे ही तीसरे दिन का काम जो करते हैं यहाँ, और महिलाएं भी हमारी आगे चलती है, वो आगे बढ़ती है। इसमें सबसे पहली बात आपको देखने मिलेगी कि महिलाएं पहले जाती हैं और उन्हें वहाँ पे सबसे पहले खाने पे आमंत्रित करते हैं, या आमंत्रण तो नहीं बोलेंगे लेकिन फिर भी एक उन्हें खाने के लिए आग्रह करते हैं, और वो जो भी एक प्रसाद समझिए, कोई वहाँ का जो भी एक नेंग है, उस नेंग दस्तूर को वो पूरा करते हैं। इस पूरा करने में आप देखिए कि यहाँ पे हमारे मातृशक्ति को पहला मौका दिया जाता है। कई जगहों में हमें देखने मिलेगा कि हमारे मातृशक्ति को ही मौका दिया जाता है, क्योंकि मातृसत्ता कुटुंब पद्धति आज भी इनडायरेक्टली घूम फिर कर चल रही है, कोई माने या ना माने, लेकिन ये सच है। घर का पूरा दारोमदार, पूरी सत्ता हमारे मातृशक्ति के पास में ही होती है, और ये सबसे बड़ी बात है दुनिया में कि मातृसत्ता का कुटुंब पद्धति आज भी हमारे में चल रही है, और ये हम सभी लोग मानते हैं और मानना भी चाहिए। तो यह नेंग इस तरीके से होता है, और सगा पाड़ी बाद में हमारे जाते हैं, और उसके पहले एक बात होती है, जब सगा हमारे वहाँ पूजा करते रहते हैं या नेंग करते रहते हैं, तो ये सोयरे जो होते हैं उन्हें सेवा करने के लिए कहते हैं कि भैया हम लोग ऐसे नहीं छोड़ेंगे, वहाँ पे एक गुंगा बनकर वो कार्य करना पड़ता है। कई जगहों में गुंगा बनकर हम लोग वो कार्य करते हैं, तो वहाँ अगर किसी ने बोल दिया तो उसको एक दंड होता है, और वो दंड के माध्यम से या उस सेवा के माध्यम से वो हमारे सोयरा को वो सेवा अर्जी करता है। तो ये जो शक्ति है हमें अपने लोगों के साथ, अपने संस्कृति के साथ जोड़ने का बहुत बढ़िया काम करती है। और अभी इसके बाद में चौथे दिन जो होता है, चौथे दिन सोयरे ये गोड़ घाटो करते हैं, ताकि जो सोयरे इस दुख में थे 3 दिन तक, निसर्ग का एक नियम है, हमें आज भी डॉक्टर बताता है कि ये दवा लीजिए 3 दिन के बाद में आइए, बहुत सारे जगहों 3 दिन का ही हमें एक कोर्स बताया जाता है। उस कोर्स में ये भी बातें बताई जाती हैं कि अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपको अच्छा लगे तो आप आने की ज़रूरत नहीं। ऐसे ही नैसर्गिक प्रक्रिया में मातृशक्ति के साथ में भी ये बातें होती रहती है। हम लोग तीसरा दिन करके हमारे जो मृतक व्यक्ति के रिश्तेदार होते हैं उन्हें व्यवहार में लाने के लिए उनके सोयरे जो है वो गोड़ घाटो करते हैं। अब गोड़ घाटो करते वक्त में जो भी चीज़ बनाया जाता है उसमें एक मीठा पदार्थ रखते ही है। अब मीठा पदार्थ में जो भी हो वो उन्हें देते हैं, उनका एक मान सम्मान करते हैं, वो जो भी कार्य करते हैं उनको कार्य करने के लिए यहाँ से इस गोड़ घाटे का जो नेंग होता है इसको अपने रूढ़ी परंपरा के अनुसार निभाते रहते हैं। और निभाना भी कैसे, तो उनका खान पान करते हैं मान सम्मान के साथ में, उन्हें कुछ कपड़ा, नया कपड़ा अर्जित करते हैं, और उन्हें बताते हैं कि भाई जो कुछ भी हुआ, देखिए संदेश बड़े अच्छे तरीके से दिया जाता है, उसके पीछे का कारण क्या है, मुझे जितना आ रहा है, मुझे मैं जितना देख रहा हूँ, जितना समझ रहा हूँ, वही आपसे मैं वार्तालाप कर रहा हूँ। तो वो उसको एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने के लिए सोयरा उसे एक काली चाय का साका देते हैं, खाना खिलाते हैं, मान सम्मान खत्म में कपड़ा लगता देकर उसे सेवा करते हैं,
उसकी सेवा करते हैं, उसे सेवा कहते हैं, और कहते हैं कि भाई जो भी हुआ वो निसर्ग के अनुसार ही हुआ है, तो आप इसे सहने की अपनी इच्छा बनाए, अपनी हिम्मत बढ़ाए और अपने रोज़मर्रा के व्यवहार में आप लग सकते हैं। ऐसे उन्हें वो आज्ञा भी देते हैं और विनती भी करते हैं। तो ये व्यवहार हमारे यहाँ बहुत ही प्यार से और एक अदब से हमारे लोगों को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, समझाया जाता है। तो एक ये ऐसा नहीं है, कुछ इसमें से छूट गया होगा या आपके तरफ में जो भी क्षेत्र में इसे वहाँ के क्षेत्र के अनुसार करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होगा, 10% या 20% थोड़ा सा फर्क हो सकता है, या हमारे तरफ में जो करते हैं इस एरिया में, इस क्षेत्र में। तो आगे पीछे एक साथ ही होते रहता है। तो हमारे यहाँ मैं एक बताना चाहूँगा कि जो भी हमारे कई वक्ता कहते हैं कि टीका टिप्पणी नहीं है, कि हमारे यहाँ जो गहना होता है, गहने को एक अच्छे तरह रखा जाता है, गहने को अच्छे तरीके जतन करके रखा जाता है, ऐसे ही हमारे मृतक व्यक्ति, प्रिय व्यक्ति को भी हम लोग गहना समझकर ही दफनाते हैं, हम लोग गहना समझकर ही दफनाते हैं। अगर हमें एक जाति प्रमाण पत्र लेने जाना पड़ता है तो ये सब सारी चीज़ें हमें पूछी जाती है कि भाई मेरी बेटी को पूछा गया, मैं बता दूँ आपको, 4 साल पहले 3 साल पहले करीब, कि बेटा हम तो आपको सर्टिफिकेट तो देंगे आपके पिताजी के अनुसार, लेकिन आप हमें ये बताइए कि आप अपने यहाँ जब कोई मौत होती है तो उसे क्या करते हैं, दफनाते हैं या अग्नि संस्कार करते हैं? तो हमारे बेटे ने जवाब दे दिया कि नहीं, बोले हम लोग दफनाते हैं। वेरी गुड। तो उन्होंने उसे पास कर दिया, उसे एक वैलिडिटी मिल गई, वैधता प्रमाण पत्र उसे मिल चुका है। जब हम लोग बोलते हैं कि हमारे सगा संबंधी टेकाम है, घोड़ाम है, गेड़ाम है, मसराम है, कुलचंगे है, कोड़ापे है, मड़ावी है, कई गोत्र के नाम हम लोग बता देते हैं, हमारे जो नाम होते हैं, हमारे पाड़ी सगा पाड़ी होते हैं हमारे, तो ये बताने का मतलब, हम लोग इतना बताने के बावजूद भी हमारे इस कार्य के अनुसार, हमारे रीति रिवाजों के अनुसार चलना चाहिए, यही इस गुणवाना दर्शन का मुख्य उद्देश्य है। इस गुणवाना दर्शन को मैं बार बार सेवा जोहार करना चाहूँगा, सेवा सेवा सुरवे सेवा करना चाहूँगा कि उन्होंने एक अच्छा अभियान चलाया। और मुझे हमारे ताई उषा किरण आत्राम ने मुझे कहा कि शंभू, तुम अपने गानों के माध्यम से अपनी इस हमारी व्यवस्था को रखने की कोशिश करोगे? मैंने कहा ताई मैं थोड़ी ज़रूरत कर सकता हूँ, और जो मुझे जानकारी है वो आपके सामने मैं रखूँगा, जो मैंने देखा है और जो चलते आ रहा है, जो देख रहा हूँ, उसके बारे में ही बात करूँगा। तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और साथ में अभी मैं आपको मड़मिंग जो हमारी होती है, मड़मिना नेंग, यहाँ ले जाऊँगा। ये बड़ा उत्साहवर्धक हमारे यहाँ का सबसे अच्छा कार्य होता है, जो हमारे जीव उत्पत्ति के लिए एक नेंग का माध्यम है, मड़मिंग का माध्यम है, जो हमें यहाँ पे चर्चा के माध्यम से मैं आपके साथ बने रहूँगा। अभी देखिए, मड़मिंग का नेंग जो होता है बड़ा प्यारा होता है। क्यों होता है?
कहते हैं हमारी गोंडवाना संस्कृति के बारे में ऐसी पुस्तकें हैं जिसमें हमारे सुसंस्कृत जीवन जीने के कई उदाहरण हमें पढ़ने मिलते हैं, तो क्यों ना हम अपने बारे में अभ्यास करें। तो ये अभ्यास का ही माध्यम है, हम आप एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं, चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि हमारे संस्कृति को जतन करके रखना है, हमारे आने वाली पीढ़ी को ये जताना है कि भाई आपका भी कुछ है, आपके भी नेम दस्तूर है, जिससे कि आपकी और हमारी पहचान है। कई रिश्तेदारों में कहते हैं अरे भाई इस साल किसकी शादी है, तो मैं भी पूछता हूँ क्या बात है बेटा, तो नहीं बोले पापा, बोले हम लोग जाएंगे ना शादी में, हम लोग मौज करने जाएंगे, शादी में बड़ा मज़ा आता है। तो सही में गोंडवाना की शादियों में सही में बड़ा मज़ा आता है, सभी लोग बड़े मज़े के साथ में इस नेम को हमारे अपने तरीके से एंजॉय करते रहते हैं। तो देखिए सबसे पहले होता है कि हमारे में जो शादी की बातें एक लड़की और लड़के के बारे में जानकारी देता है, उसको गोंडी में एक नाम है सर्वत्याल, उसे कहते हैं सर्वत्याल, जो शुरुआत करता है एक नाता बनाने के लिए, छह देव सात देव को मिलाने के लिए, चार देव पांच देव को मिलाने के लिए जो कार्य करता है उसे सर्वत्याल कहते हैं, जो एक सूचना स्वरूप हमें बताता है लड़की के बारे में, लड़कों वालों को जानकारी, लड़कों वालों के बारे में लड़की वालों को जानकारी वो देता है, उसे सर्वत्याल कहते हैं। माफी चाहता हूँ। तो ये सर्वत्याल क्या करता है कि यहाँ की खबर वहाँ, वहाँ की खबर यहाँ। तो उसके ऊपर में एक बहुत अच्छी लाइन लिखी गोंडी में, वो बड़ा आनंदित होता है, क्यों कि उसका भी उसमें कुछ सहभाग होता है और उसको सेवा मिल जाती है, दोनों पक्ष की ओर से उसे सेवा मिल जाती है और वो अच्छा नेक काम करते रहता है। तो उसके ऊपर में भी गाना बनाया गया है, तो वो गोंडी में इस प्रकार से है। और वो हमारे लोग भोला शंभू को मानते हैं, तो शादी में ज़्यादातर उन्हीं के गीत गाए जाते हैं, भीमाल पिन के गाए जाते हैं, खैरोदाई के गाने गाए जाते हैं, तो हमारे सभी पिनों को हम लोग वहाँ याद करते हैं। तो यहाँ पे इस सर्वत्याल का देखिए कैसा है। हसी खुशी तेवासी सर्वत्याल वेची, भोला ले पसी तोरे नौरा ले आसी, गिर जा तैयारे आमे नौरी बने मासी, इंगा नौरी बने मासी, गिर जा तैयारे आमे नौरी बने मासी, हसी खुशी ते वासी सर्वत्याल वेची, भोला ले पसी तोरे नौरा ले आसी, गिर जा तैयारे आमे नौरी बने मासी, दायो नौरी बने मासी, गिर जा तैयारे आमे नौरी बने मासी। तो सर्वत्याल बताता है कि सोहरी की बात बताता है, शादी की बात बताता है, हर चीज वो हमें आगाह करता है, हमें सुझाव भी देता है, क्यों कि उसका अनुभव यह एक समाज के प्रति अपना करते हुए उसे करने के लिए मजबूर करता है। तो ये जो चीज़ें होती है यहाँ से बात आगे बढ़ाने के लिए वो जाता है सर्वत्याल सोहरी बनाने के लिए। सोहरी बनाने के लिए जब जाता है तो दूल्हा दुल्हन के लड़का लड़की के माँ पिताजी को
एकत्रित लाता है। तो कई जगहों में पहले लड़की वाले लड़कों के पास में जाते हैं, कई जगहों में लड़के वाले लड़की के यहाँ जाते हैं। तो अभी जो चलन है फिलहाल में आगे पीछे, तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग वर्धा से, नागपुर से, वर्धा नागपुर से ब्रह्मपुरी वर्षा में हमारी मौसी की बारात लेकर गए थे। तब तो सुबह जाते थे तो शाम हो जाती थी, रेलवे छोटी लाइन भी जाते थे, सुबह से शाम हो जाती थी कि वहाँ जाने तक। तो ये 50 साल पहले की बात बता रहा हूँ, हम लोग छोटे थे। तो बारात जाती थी तो बारात में एक बात होती थी, उनका जो खान पान, जो लड़की की सुविधा की जाती थी, ऐसे ही लड़की वालों की जो बारात वहाँ जाती थी तो उनकी भी वही लड़के वाले एक सुविधा किया करते थे, जानों सा वगैरह देना, जो भी रीति रिवाज है वहाँ पे उनकी अवगत करना, ये सब किया करते थे। तो अभी ये जो सूरी जो होती है, सूरी के लिए हम लोग गए हुए हैं, सगाई के लिए जो गए, बात करने के लिए गए हैं, शादी की पक्की बात करने के लिए, उसके पहले कुछ होती है, सोरी होती है, सगाई होती है, जो भी जहाँ जिस शब्दों को संबंध बनाने के लिए हम लोग इंग्लिश में आज एंगेजमेंट कहते हैं, तो वो बात करने के लिए हम लोग जाते हैं। तो वहाँ पे भी एक मजाकिया तौर पे बात बनती रहती है, जैसे कि वहाँ मेहमान जाते हैं, मेहमान जाते हैं तो उनका आगत स्वागत होता है, आगत स्वागत होता है तो वहाँ पे जो एक बाजा बजता है और वहाँ के जो मातृशक्ति होती है, तो वह उस जिस घर की लड़की रहती है, उस घर के लड़की को वो लोग उस गाने के माध्यम से पूछते हैं, पारिवाया लातोर दे किंजा पारेनी, पारिवाया लातोर दे, पारिवाया लातोर दे किंजा पारेनी, बोरनी और पारी दे व्यापारनी, पारिवायुर पारिवाया लातोर दे केंजा पारनी, बोरनी और पारी दे व्यापारनी। तो वो उस मातृशक्ति को पूछते हैं गानों के माध्यम से, तो मातृशक्ति भी उसका जवाब देती है, बताती है, मसराम ना और पारी दे केंजा पारानी, हेर ना और पारी दे हुड़ा पारानी, मसराम ना और पारी दे केंजा पारानी, हेर ना और पारी दे हुड़ा पारानी। तो गाने के माध्यम से ये जो छेड़छाड़ होती है, ये मजाक होता है, एक नेंग का ये दस्तूर जो चलते रहता है, बड़े हंसी खुशी चलते रहता है, इतना खुशी का वातावरण। मैं आपको बता दूं, मैं एक फोटोग्राफर हूं, पहले जब फंक्शन किया करता था 30 साल पहले, जो मुझे मजा गुणवाना की शादियों में आया करता था, वो किसी समाज की शादी में उतना नहीं आया जितना, और मेरी संस्कृति है, लेकिन उसके पीछे में भी, उस नेंग के पीछे में भी हर एक कार्य है, उसका मतलब है, उस कार्य के पीछे उसका मतलब है, जो हम इस कार्यों को बड़े खुशी के साथ करते हैं। तो ये जो चीज़ें होती है यहाँ पे, और होता यूँ है कि लड़का लड़की की जो बात होती है, तो वो इस गीत के माध्यम से ये लोग कैसे रखते, देखिए तो वो मातृशक्ति, ज़्यादा से ज़्यादा 90% मातृशक्तियों ने गानों की निर्मिति की है, ऐसा मेरा अभ्यास कहता है, मेरा ऐसा देखना, ऐसा कहना है, क्योंकि मातृशक्ति ये बहुत ही एक ममतामयी चीज़ है, अपने ममता से उनके शब्दों को वो जगा देती है, तो उसमें ठिठोली भी होती है। तो ये जो गाना गाता है, लड़के को एक पात्र बना के इन्होंने गाना बनाया है, न्यूर दाऊ नावर दाऊ जुआ गरसी लातोरे, वहाँ पे जो एक पंचायत बैठती है लड़का लड़की को मांगने की, तो वहाँ पे गाया जाता है, तो वो लड़का बनकर वो गाती है, वो मातृ, हमारी मातृशक्ति जो गाती है, न्यूर दाऊ नावर दाऊ जुआ गरसी लातोरे, न्यूर बाबो जुआ इंगा हरे का मातोरे,
तो भाई हमारे पुरखों ने, हमारे बाप जो है, हमारे बाबा जो है, हमारे पिता जो है, इन्होंने एक यहाँ पे पंचायत रखी थी, उसके अंदर में अब हम लोग तुम्हें जीत चुके हैं, तो आज से तुम मेरी बन चुकी हो। तो ये लड़का एक अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, उस व्यक्त करने में भी उसका अपना एक अलग रौब होता है, तो वो रौब जताना चाहता है एक पुरुष ही होने के नाते। ये पुरुष अपना रौब दिखाते ही है, तो वो भी अपना दिखाता है, क्यों कि हम लोग तुम्हें जीत चुके हैं। तो ये सब बातें होते रहती है, और फिर सगाई की तारीख, सगाई की तारीख ये वहाँ पे ठहराई जाती है। वहाँ पे ये भी ठहराया जाता है कि व्यवहार की बातें होती हैं, विशेषतः छोटा मोटा व्यवहार होता है, जो एक नेम का एक दस्तूर है, उसको एक छोटा सा हम लोग कहेंगे कि लेन देन की बातें उसमें होनी चाहिए। लेन देन मीन्स वो लेन देन नहीं जो आज हमारे दिलो दिमाग पे छाया हुआ है इस 25-30 सालों में, तो ऐसा नहीं होता। हमारे में एक रस्म रिवाज होती है, तो वहाँ पे बात होती है, लड़की पसंद है, लड़का पसंद है, ठीक है भाई, अगर लड़की पसंद है, लड़का पसंद है, तो फिर आगे की बात बढ़ाएं, तो फिर होते हैं ठीक है, कोई बात नहीं है। तो उसमें एक पारी का जो नेंग होता है, पारी के लिए एक कुछ पहले 2 आना, 3 आना, 12 आना, फिर बाद में कुछ 12 रुपये हो गए, फिर 250 रुपये, 500 रुपये, जैसे भी एक जो चलन में चलता रहा, तो वो ठहराया जाता है। उसके ऊपर में दुपट्टा, ये जो चीज़ें होती है कपड़े लत्ते की होती है, एक आपकी वो साड़ी वगैरह होती है कि मड़मीना जो होता है पारी, 2 साड़ियाँ 4 साड़ियाँ ऐसे दी जाती है, तो वो कबूल कराया जाता है सगाई में, है ना। ये जो प्रक्रिया है, तो ये प्रक्रिया को हमारे लोग बड़े प्यार मोहब्बत से उसे चलाते हैं। तो ये बात होने के बाद हमारी तारीख हो जाती है तय, सगाई हो जाती है। सगाई में हम लोग बहुत बाजे गाजे के साथ में लड़की वालों के तरफ में जाते हैं, लड़की को एक मान सम्मान के साथ में कपड़ा लत्ता फल इससे उसका स्वागत करते हैं, और उसे अपने घर की बहू बनाने का एक छोटा सा नेंग पूरा करते हैं। इस नेंग में करते वक्त फिर वही बात होती है शादी की, शादी की बात को आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाकर तारीख तय की जाती है। फिर उसमें बताया जाता है कि पहले जो होता था कि उजड़े की कुम, उजड़े मीन्स यानी पूर्णिमा की जो रात आएगी तब उजाला होता है, वो 4-5 दिनों में, पूर्णिमा के 2 दिन पहले, तो पूर्णिमा के 2 दिन बाद, ऐसे जो पूर्णिमा में जो उजाला होता है उस उजाले में हम लोग शादी करना पसंद करेंगे। और पहले शाम की शादियाँ होती थी, फिर उसके बाद में कुछ सुबह होने लगी है, फिर समय अनुसार व्यवहार अनुसार समय में बदलाव आने लगा, लेकिन रीति रिवाज तो आज भी वही है। समय को देखकर हम लोग चल रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन रीति रिवाज को भी हमें कायम रखना है। तो खाना खाना वगैरह खिलाकर उस सगाई का नेम दस्तूर पूरा करते हैं, और एक दूसरे से सेवा जोहर लेकर विदाई लेते हैं। अब आती है बात आगे में शादी की, शादी की बात आती है, तो हमारे यहाँ एक रीति रिवाज के अनुसार, अब देखिए यहाँ पे एक छोटी सी बात होती है, वो बात ये है कि हम जो भी कार्य करते हैं, हम जो भी कार्य करना चाहते हैं, उसको बड़े ही एक मान सम्मान पूर्वक करते हैं। श्रद्धा ये बात अलग है, लेकिन यह मान सम्मान के साथ में किया जाता है, जो हमारे कई लोग इसे श्रद्धा का नाम देते हैं। माफ करिएगा, बीच बीच में आपको मैं तकलीफ देता हूँ। तो ये हमारे यहाँ अगर नरुण
मंडा जो होता है, नरुण खम्बाना मंडा जो होता है, ये जो खम्बा होता है ये खास करके हमारे सोयराल जो होते हैं वो उसकी पूजा पाठ करके शुरुआत करते हैं। वो एक सोयरा के नाते हमारे किसी सगा को बताते हैं और हाथ में एक गड्ढा करने का जो भी एक साहित्य होता है, वो गड्ढा करने का साहित्य वो जो भी व्यक्ति करता है तो उस जमीन को, उस मातृभूमि को, उस भूमि को हल्दी चावल पानी के साथ पानी फेर कर उसको प्रणाम करते हैं और उसे माफ़ी मांगते हैं कि हम अपना ये जो चोको नेंग करने जा रहे हैं उसके लिए हम आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, तो ये तकलीफ आप सहन करें और हमारे खुशी में आप शामिल हो, ऐसी उसे एक आराधना करते हैं, उसे विनती करते हैं। और ये सब बातें उसके ऊपर में भी, उस गड्ढा करते वक्त में भी बाजा बजाया जाता है। बाजे में ये बात बताई जाती है कि ये जो नेंग है, ये जो नेंग है, सारे बस्ती को पता चलता है कि अभी देखिए ये ताल, गोंडी ताल जो होते हैं ये दर्शाता है कि अभी आपके पास में शादी का कौन सा कार्य चल रहा है। ये नगारची दादा का सबसे बड़ा हाथ है, ये लोग हमारे कितने जानते हैं, इस चीज को हमारे लोग कितना जानते हैं, क्यों कि जब वो हम लोग गड्ढा करते हैं पिंडाल डालने के लिए, बाज बल्ली गड़ाने के लिए, तो उसका भी वो बाजा अलग होता है, बस्ता ही अलग है। आप अगर विदर्भ में आओगे तो ये बातें आपको देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी। तो उसके पीछे में वो बताते हैं सारे गांव में कि भाई अभी पिंडाल गिर रहा है, मंडप गिर रहा है, तो वो मंडा डालने का वो ताल वो बजाते हैं, ताल बजाते हैं और उसका वहाँ पे हमारे नगारची दादा का मान सम्मान किया जाता है जो गड्ढा करने आते हैं। बार बार मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि नरुण खम्बाना मंडा जो बोलते हैं, डेरी नाम मंडा जो बोलते हैं, तो वो बड़े मान सम्मान के साथ में किया जाता है। हमारे यहाँ हर नेंग इसके पीछे में पूरी अपनी मान सम्मान को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। उसके बाद में मंडा होता है, मंडा गिर जाता है, तब तक यहाँ पे भीगी हुई हल्दी को पीसने का एक रस्म चलता है। तो उस भीगी हुई हल्दी को पीसते वक्त में वो बाजा बजाने वाला हमारा नगारची दादा बाजा बजाता है और हमारी मातृशक्ति उसे गाते रहती है। वो हल्दी के जो गाने होते हैं कि भैया, उसमें बताया जाता है कि कमका पीची उसाले वायनी नावे अंगिनी, कमका पीची उसाले वायनी वो अंगे, कमका पीची उसाले वाये नी वो अंगे, नाकुन कमकल कमकल ईमे किए नी वो अंगे, नाकुन प्यूरल प्यूरल ईमे किए नी वो अंगे, इंग किए नी वो अंगे, नाकुन प्यूरल प्यूरल ईमे किए नी वो अंगे। तो ये मातृशक्ति है, उस लड़की को प्रतीक बनाकर वो गाना गाती है, क्यों कि उसकी वो टिटोली करती है। और ये हल्दी पिसाने के बाद, हल्दी पीसने के बाद में, गीली हल्दी को पिसाने के बाद में वो हल्दी लेकर अभी यहाँ से देखिए कितना अच्छा एक मान सम्मान, और वो चलते हैं फिर ये जब यहाँ से निकलते हैं तो जाते हैं खैरोदाई के ठाना में। खैरोदाई के ठाना में जब जाते हैं तो गाना बजाते हुए जाते हैं, गाना गाते हुए जाते हैं। नगारची दादा हमारा आगे होता है, उनके पीछे में जो दुल्हन की या दूल्हे की जो भाभी होती है, तो दूल्हे को भी यही नेंग दस्तूर लागू है। तो यहाँ वो बताते रहते हैं कि पूरे गांव से जब निकलते हैं तो गांव वालों को पता चल जाता है कि अभी हल्दी पीस चुकी है, पीसने के बाद में
उसे एक खैरोदाई के पास में जा रहे हैं तो ये आवाज़ आ रही है, तो कई लोग उसमें सम्मिलित हो जाते हैं और उस कार्यक्रम की आगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जाकर खैरोदाई की पूजा अर्चना करते हैं और उसे खैरोदाई को एक मिन्नत करते हैं कि खैरोदाई मावा छवात परो निवा आस जानिगा बद्रो भी प्रकार था मावा परो विपत्ति वाया सीमा। तो इस शुभ घड़ी में चको घड़ी में उनसे खैरोदाई से वो एक अर्जी लगाते हैं, वहाँ से उनको एक हल्दी का तिलक लगा कराकर हल्दी अर्पण करते हैं और ऐसे ही फिर बिमालपेंट थाना में आते हैं। बिमालपेंट थाना में आकर बिमालपेंट को फिर अर्जी करते हैं तो वहाँ पे फिर बिमाल का जो ताल होता है, जो मैंने पहले आपको कहा था कि पंचमी के दिन चैत पंचमी को जो बिमाल की तर्ज बजाई जाती है, जो खैरोदाई की जो तर्ज बजाई जाती है उसके ऊपर बहुत सुंदर डांस करते हैं। अगर मुझसे हुआ तो उसका एक वीडियो बनाकर मैं जल्द से जल्द आपके सामने पेश करूंगा। तो उस बिमाल पेन के आ जाकर उसे भी अर्जी लगाते हैं, वहाँ पे नाच होता है जैसे खैरोदाई क्या होता है बिमाल पेन क्या होता है। फिर यहाँ आते हैं घर, जिस घर में उस लड़की को वो झूठन हल्दी हमारे खैरोदाई और बिमाल पेन थाना से लेकर हमारे उस बच्चे उस लड़की को लड़का या लड़की को एक आसदान के स्वरूप उसे लगाते हैं। जब तक हमारी हल्दी हमारे पेन जनाल को अर्पित नहीं करते तब तक हमारा ये नेम ये जो दस्तूर है ये आगे नहीं बढ़ता। तो ये मान सम्मान की बात होती है, इसमें कोई भी अंधश्रद्धा वाली बात नहीं है। हमारे पुरखों को पूजना ये हमारा दायित्व है, ये हमारा कर्तव्य है और ये कर्तव्य हमारे सगा सुगुम करते रहते हैं, गुणवाना पूरा समाज ये करते रहता है, क्योंकि ये देखने को बहुत कम मिलता है कोई भाई हमारे इस नेम को अपने अपने क्षेत्र से डिटेल के साथ में पूरी तन्मयता से ये शूट करके हमारे समाज के अंदर प्रसारित करता है। तो उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और यहाँ पे मैं उन्हें आह्वान भी करूँगा कि इस तरीके का वीडियो बनाएं ताकि हमारे नियमों की जानकारी हमारे लोगों को हो। अब ये होता है, यहाँ पे आती है हल्दी लेकर पंडाल में आते हैं तो वहाँ पे हमारे सभी लोग नाचते हैं। क्यों? कि अभी हम लोग हमारे पेन जनाल को पूछ कर आए हैं, अभी हल्दी लगाने की रस्म हम लोग शुरू करेंगे। तो ये हल्दी की रस्म हम लोग करते रहते हैं, हल्दी की रस्म जब हम लोग करते रहते हैं तो वहाँ पे सभी लोग गाना गाते रहते हैं। तो उसमें हमारा संगी होता है, हमारा ये नाल होता है, इसकी बड़ी मजे रहती है। वो छोटा हो या बड़ा हो उसकी ये ने मामा की लड़की होगी, उसकी आतों की लड़की होगी या लड़का होगा, तो उनके साथ में ये ठिठोली करते रहते हैं। तो ये गाने में वो लोग कैसा है देखिए। मामा नर चाड़े, अब पिंडल गिर चुका है तो उस माध्यम से वो हम सभी की ठिठोली करते रहते हैं, मज़ा लेते रहते हैं और सभी को मज़ा दिलाते रहते हैं। क्यों? कि हम गोंड कोयतोर जो भी हमारे में सम्मिलित लोग हैं जितने भी हैं तो वो इन सब चीज़ों का मज़ा लेते हैं। आप कहीं भी कोई भी एरिया में जाइए, कोरकू देखिए, माड़िया देखिए, भील देखिए, जहाँ भी हमारे अपने बस्तर में देखिए, तो जहाँ भी हमारे लोग होते हैं तो इस नेम को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। तो ठिठोली में देखिए वो क्या कहता है। मामा नर चाड़े, मामा नर चाड़े, मंडारी लाता सुर नहीं ढोलता, गजरे काता इंगा गजरे कयाता,
सुरनई डोलता गज री कहता मामा नरचाड़े मामा नरचाड़े मंडारी लाता सुरनई डोलता गज री कहता हिंग गजरे कहता सुरनई डोलता गज री कहता। मेरी आवाज अगर क्लियर आ रही होगी तो मुझे बता दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि मेरी आवाज क्लियर है। वड्डे जी मेरी आवाज आ रही है? हेलो मेरी आवाज आ रही है वड्डे जी? तो ये जो गाना होता है तो शुरुआत ऐसे होती है, और यहाँ पे ये जो गाने को हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो इसमें एक नेम को, इस नेम को बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हमें बतानी पड़ती हैं। अगर लड़की है तो उसकी टिटोली करते हुए उसे गाना गाते हुए हल्दी लगाया जाता है। हल्दी लगाने के बाद में जो एक नेम होता है उस नेम को हम लोग बड़े अच्छे तरीके से निभाते हैं। तो उसमें अगर देखिए यहाँ पे लड़की के यहाँ अगर शादी होती है तो गाने में बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। लड़की के दिल में क्या चल रहा है तो उसकी बहन, उसकी सहेलियाँ इस माध्यम से बताती है। तो वो गाना कैसा है मैं आपके सामने पेश करता हूँ, सुनिएगा। जीवा ताना आता पिसाले दशा हुड़सी इंता से लाले हिले की माघाई हंदाले वाया नूरे इगे ने नवराले इमे के जा बाई के जा। जीवा ताना आता पिसाले दशा हुड़सी इंता से लाले हिले की माघाई हंदाले वाया नूरे इगे ने नवराले इमे के जा बाई के जा। हे ना संग ने वड़का इमे ताना संग ने वड़का इंगा सेला ले इंदिलाता सुरनई ढोलता गजरे कयाता इंगा गजरे कयाता सुरनई ढोलता गजरे कयाता। तो देखिए ये इस तरीके से गाना जो है। शुक्रिया वड्डे साहब, आवाज़ आ रही है, मुझे प्रेरणा मिलती है कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच नहीं रही है, ये मुझे प्रश्न होता है, तो आपने बता दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उसका दिल बड़ा चंचल हो जाता है कि मैं अपने इस प्रियतम से कब मिलूंगी, मेरे होने वाले पति से कब मिलूंगी, ये नौर नवरात ना बस के बेटे माई का, तो ये बताता है। तो वो उसकी बहन बोलती है कि इतनी घाई मत कर, इतनी जल्दी मत कर भाई, वो तो आने ही वाला है, तो इतनी पागल क्यों बन रही हो, इतनी उतावली क्यों हो, अरे होने वाला है भाई, 2 दिन रुक जा 3 दिन रुक जा, क्योंकि 2-3 दिन का रस्म हमारे यहाँ चलते रहता है। पहले 5 दिन हल्दी लगाई जाती थी, आज 3 दिन तो कम से कम होता है, और शहर के माध्यम से 2 दिन चल रहा है, लेकिन 3 दिन तो पक्का ही है हमारे और में तो घरों में, और हम लोग रामटेक परिक्षेत्र में देखा जाए, उसके आगे में गोंदिया देखा जाए, वर्षा ब्रह्मपुरी, और आगे भी जाते हैं हम लोग MP में छिंदवाड़ा वगैरह, तो यहाँ पे भी 3 दिन का तो ये सुंदर कार्य नेंग चलते रहता है। अब देखिए यहाँ पे हल्दी जब लगाते हैं, जब सारे रिश्तेदार उस बेटी को एक नहाने का कार्यक्रम होता है, सुंदर सा कार्यक्रम होता है, उस सुंदर से कार्यक्रम में
मैं आपको बता दूं, उसको आगे मैं बताऊंगा, लेकिन ये पेंडल होने के बाद इस गाने को मैं आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि नेंग जो है, ये मर्मिंग नेंग जो है, मर्मिंग नेंग जो है, तो इसे आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी कामें होती हैं। जो काम होते हैं वो पेड़ों में, पेड़ों को हरा भरा करने के लिए जामुन की पत्तियां और उसी का मुंडा या सालई का मुंडा, ये इस्तेमाल करते हैं। जो भी आपके क्षेत्र में जो पेड़ अवेलेबल होते हैं उसका मुंडा बनाया जाता है, जहाँ तक मुझे जानकारी है। लेकिन सालई का हम लोग ज़्यादा करके रखते हैं, मुंडा बनाते हैं। तो जामुन की पत्तियाँ जब लाते हैं, जामुन की पत्तियाँ लाते हैं तो उसे भी बड़े मान सम्मान के साथ में, जिस ठाने से लेकर आते हैं, खैरोदाई का ठाना बोलो या भीमाल पेन का ठाना होता है हमारे यहाँ, या गांव के बाहर जो भी का ठाना होता है रखते हैं, हमारे पेन ठाने होते हैं, तो वहाँ पे जामुन की पत्तियों को लेकर, अगर जितने देव के हम लोग होते हैं, कार्य होता है जिसके घर में, तो वहाँ पे उतने दे उतने ही वो युवा साथी जो होते हैं, जिनकी शादी नहीं होती, उनको वो जिम्मेदारी दी जाती है कि भैया आप हमारे मंडे को, नौ डेरी ना जो मावा जो मंडा मंदा तान इमेट हिरवाल पाला दे सजी की किट हिदे मावा मिकुन मिन्नत मंदा, तो वो उसे जाते हैं बाजे गाजे के साथ में, उसके साथ में जो भी नाश्ता पानी का जो होता है, एक वड़े होते हैं, पूरी होते हैं, जो भी भजिए होते हैं, जो मीठा पकवान होता है, बना के ले जाते हैं एक टोकरी में उन पांच लोगों के लिए, और उनको हल्दी का तिलक, हल्दी का छापा उनके पीठ पर, कपड़े पर, आगे पेट और सॉरी एक छाती और पीठ पर वो दोनों हाथ से लगाते हैं, उनका वो पेड़ों की पूजा करते हैं, जो जामुन की पत्तियाँ जो लाते हैं उसकी पूजा करते हैं, उनको जो उनकी सेवा अर्जी करते हैं कुछ हमारी ओर से, उन जो सगा जो रहते हैं युवा, उनको कुछ देते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं, कुछ देकर एक कपड़ा देते हैं, सफ़ेद कपड़ा उसके अंदर उनके गले में डालते हैं, और उनको बड़े मान सम्मान के साथ में पेड़ों के वो जामुन की पत्तियाँ जो होती, पेड़ों की जामुन की पत्तियाँ वो लेकर आकर, लेकिन जब लेकर आते हैं तो इसमें भी एक मज़ा है, तो उसको वो बाजे का तो बाजा बजता है, दरी ररी री दरी ररी रा दरी ररी री दरी ररी रा, तो ये जो बजाते हुए लाते हैं और बड़े बड़े उमंग के साथ में इसे नाचते हुए लड़के लोग वो ले आते हैं नाचते हुए उस, और जो प्रक्रिया है जामुन की पत्तियाँ उस मंडा डेरी में लगाने की, वो पूरी करते हैं। तो ये जामुन के पत्तियाँ लगाते हैं, ऐसे ही मिट्टी लेकर आते हैं, तो मिट्टी लेकर आना बोले तो वहाँ पे भी एक गाना होता है, हाँ गाना होता है, तो गाने के साथ में भाजी को बजा, वो मिट्टी वाले के पास में जाते हैं, तो वो हमारे जो सगा सोरे रहते हैं, जो पांच देव छह देव के ये जोड़ियाँ बनती हैं, ये मिट्टी लेकर आते हैं, मिट्टी लेकर आते हैं, तो वहाँ पे भी जो मिट्टी लेने जाते हैं वहाँ पे भी सोयरे रहते हैं, तो वो सोयरे भी देते हैं। तो सोयरे कैसे बोलते हैं कि हम लोग जब जाते हैं वहाँ मिट्टी लेने के लिए, तो पूछते हैं, एक गाना है, तो वो गाने को अरे कुमारी ने बाईंगा कुमार बेगे हतोर, अरे कुमारी ने बाईंगा कुमार बेगे हतोर, तो वो बाई बताती है, वो लोग छुप जाता है ना, वो मज़ा लेता है हमारी, वो हमारी मज़ा लेता है, किस लिए, क्यों हमसे कुछ लेना चाहता है, कुछ और चीज़ चाहिए रहती है उसको, दक्षिणा स्वरूप तो वो ये बातें हमसे ठिठोली करते रहता है, वो छुप जाता है, तो ये बाई इस गाने के माध्यम से उसको पूछती है, अरे कुमारी ने बाई इंगा कुमार बेगे हतोर, तो बाई बोलती है अरे तोड़ी तन्ना तन्ना के हो ना काल घसरे की तोर, तो उसका उसका पैर अभी उस गड्ढे में गिर चुका है, तो वो जरा नाराज है कि भैया हम इनके काम करने के लिए गए हैं,
तो हमें कुछ दान दक्षिणा मिल जाए तो हम इसे हमारे सोयरा को हम बहुला बनाने के लिए, बहुला जो बनाते हैं, एक मुंडा जो मेन डेरी होती है, एक बाम्बू होता है, खम्बा होता है, तो उस बल्ली के पास में जो एक बोहला बनाते हैं, बोहले के ऊपर में भी बढ़िया गाना है, मैं आपको पेश करूँगा। वो आंध्र से है, उन्होंने बहुत अच्छा बनाया है। तो वो जो बोहला बनाते हैं उसके लिए मिट्टी लेकर आते हैं, मिट्टी लेकर आते हैं तो हमारे जितने भी सगा लोग आते हैं तो सगा उस मिट्टी में जो भी बर्तन जो होता है या टोकरी होती है उसमें लेकर और बाजे गाजे के साथ में आते हैं। तो उसके पहले उस सगा को, कुम्हार सगा को, हम लोग पूरा मान सम्मान के साथ में सीधा हटा देते हैं, उसका भी मान सम्मान करते हैं, उसके ऐसे मिट्टी लेकर आते हैं। और मिट्टी जब लेकर आते हैं तो वो नाचते हुए लाते हैं, जैसे जामुन की पत्तियाँ लाते हैं। तो हर चीज़ को अगर लेकर आते हैं तो उसकी एक अलग ताल है, उसकी तर्ज है, उसका गाना है। उस गाने को हम लोग बड़े मान सम्मान से लाते हैं, उसका एक खुशहाली के साथ में उसको हम लोग वहाँ रखते हैं और उसका काम सोहरा करते रहता है। वो होने के बाद एक बर्तन होते हैं, बर्तन जो होते हैं वो मिट्टी के होते हैं, वो मिट्टी के बर्तन किसी सोहरा के घर में लगे रहते हैं। फिर से देखिए सोहरा का कितना महत्व होता है हमारे में। वो जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उस मिट्टी के बर्तन को वहाँ रखा जाता है। तो सोहरा के पास में फिर हम लोग जाते हैं, फिर बाजे गाजे के साथ में जाते हैं, तो वहाँ पे भी करसा कोपांग का, उसको करसा कोपांग बोलते हैं, तो उसके लिए भी गाना है, तो उसको भी मिन्नत करते हैं, मिन्नत करके गा गा कर मिन्नत करते हैं, तब जाके वो मानता है, मानता है उसको, फिर बाद में उसको सीधा हटा देते हैं। जो भी हम खाने की चीज़ें ले जाते हैं जो पका हुआ नहीं होता है वो उसको पकाने के लिए देते हैं कि तू भैया तू पका ले, क्योंकि हमारे यहाँ तो शादी है तो हम तो तुमको अभी यहाँ से खिला नहीं सकते, बना के नहीं खिला सकते, तो हम तो बाद में देंगे, लेकिन फिलहाल में अभी तो हमारे लिए रुका हुआ है, तो ये हम लोग दे रहे हैं, इसे आप जैसा भी ऐसा स्वीकार करें। और हमें ये जो मिट्टी के बर्तन आपके पास में दिए तो उसको भी बड़े सजा धजा के रखते हैं, और फिर उसे भी वहाँ से एक मान सम्मान के साथ में, बाजे गाजे के साथ में इस पेंडाल में ले आते हैं और पेंडाल में रखते हैं। और उस पेंडाल के अंदर जो बर्तन रखते हैं मिट्टी के, उसमें पानी भरा जाता है, पानी भर के रखते हैं, और वही पानी हमारे दूल्हा जो बना बैठा हुआ है, दुल्हन जो बनी बैठी है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और वहाँ पे पांच छोटे एक जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उसके अंदर पानी रखते हैं चारों तरफ से, और हर वक्त में उस चारों तरफ से उसे एक धागा गूंथते हैं, जैसे पेंडाल जब डालते हैं तब भी धागा गूंथते हैं पूरे पेंडाल को, तब भी सोयरा ही ये काम करता है, मामा करता है, उसे भी एक बड़े प्यार से उस नेम को किया जाता है। वैसे इस पांच बर्तनों को धागा लपेटकर उसके बीच में लड़की को बिठाया जाता है और हल्दी लगाई जाती है, हल्दी लगाने के बाद उसे नहलाया जाता है। तो 4 दिन 5 दिन हल्दी लगाने का कारण भी एक बहुत अच्छा है कि आज हम लोग ब्यूटी पार्लर में जाके जो भी कार्य करते हैं वो कार्य हमारे पहले के लोग हल्दी से जो होता है शरीर के अनचाहे बालों को निकालने के लिए हल्दी लगाई जाती है। हल्दी सुंदरता बढ़ाती है, हल्दी उस दरम्यान कोई भी प्रकार का रोगों, कोई भी प्रकार के रोगों को हावी नहीं होने देती। तो हल्दी का एक सबसे अच्छा प्रयोग हमारे यहाँ होते रहता है। ये प्रतिरोधक क्षमता हल्दी है। तो हल्दी ऐसे 3 दिन 4 दिन 5 दिन लगाई जाती है। इसके बाद में होता है करसा कोपांग के बाद में होता है मुंडा डेरी। मुंडा डेरी में कभी होता है लड़के वाले की तरफ से भी होता है, लड़की वाले की तरफ से भी होता है। यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि ये मुंडा डेरी जो होता है, मुंडा जो लेते हैं लेकर आते हैं, तो ये भी ऐसा ही होता है, तब भी शाम को जाते हैं तो या दोपहर में, तो उस मुंडा को जब लाते हैं तो उतने ही मान सम्मान के साथ में लाते हैं। देखिए हर कार्य का अपना, हर नेम का अपना एक अलग कार्य है, उस नेम को बड़े प्यार से हम लोग सजाए रखे हुए हैं। इस सजाए रखने में हमारी संस्कृति नजर आती है, इसीलिए कहा जाता है कि जीवन यापन कैसा हो तो गोंडों के जैसा हो।
बिल्कुल सही कहा है, ये हम नहीं कह रहे, एंथ्रोपोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहता है कि जीवन कैसा हो तो गुणों के जैसा हो। ये जो चीजें होती है यहाँ पे, मुंडा जब लेकर आते हैं उसे भी उतनी मान सम्मान के साथ मिलाते हैं, उसके लिए जो युवा होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो लोग उसे भी एक सफेद कपड़ा जो होता है, नया कपड़ा, उसके अंदर बांध के मान सम्मान के साथ में ले आते हैं। वो भी ऐसे ही नहीं तो नाचते हुए ले आते हैं, तो उसकी तर्ज भी बहुत बढ़िया है। जब बजाते हैं ताल तो मैं आपको सुनाऊंगा, मैं इसके ऊपर मैं काम करना चाहूँगा और सभी लोगों को आह्वान करना चाहूँगा, जो भी इसमें रुचि रखते हैं अपने संस्कृति के साथों साथ इस गानों में, इस ताल में रुचि रखते हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वो इन चीज़ों को बनाने में सक्रियता बनाए रखें, ताकि हमारी संस्कृति ये सारे समाज को अच्छे तरीके समझ में आए। दूसरों की संस्कृति, दूसरे के कार्यक्रम हम देखने जाते हैं तो हमें समझ में आ जाती है, लेकिन हमारे कार्यक्रम को भी हमने समझना चाहिए। सिक्के माकोम समझे माकोम समझिए का की कोम, सिक्के माकोम समझे माकोम समझिए के की कोम, समाजों ने अपलो अमोट मुन्ने मुन्ने वो कोम, समाजों ने अपलो अमोट मुन्ने मुन्ने वो कोम। तो मैं ये बात बताना चाहूँगा, गोटुल तेने अपलो विचारे का ही रिकॉर्ड, गोटुल तेने अपलो विचारे का ही रिकॉर्ड, सगा समाजों ने उन्दी बीसीए का वाकट। तो ये जो चीज़ें हैं, हम लोग इस नेम के माध्यम से ये जो चौको सहारा है हमारे में जो होते हैं शादियों में, उसे हम लोग संजोए रखना चाहिए, ऐसी मेरी विनती है। तो ये मुंडा होने के बाद में फिर आखिरी में सबसे होता है नानोरंग, नानोरंग शाम के वक्त में किया जाता है। इस नानोरंग में मैं आपको बता दूं कि सारा कुनबा एक होता है, सारा कुनबा एक होने के बाद में लड़की को बिठाया जाता है, लड़की को बिठाने के बाद में उसके पीछे में उसके एक बल्ली रखी जाती है, कोई ऐसी ऊँची चीज़ रखी जाती है जहाँ सभी उस लड़की के या लड़कों के, लड़के के रिश्तेदार बैठ जाते हैं। जो छः देव के होंगे तो छः देव के ही छः जोड़े बैठेंगे, सात देव के होंगे तो सात देव के जोड़े बैठेंगे, जो भी जितने भी देव के चार के पाँच के, तो उस हिसाब से जोड़े बिठाए जाते हैं। और उस दरम्यान अगर लड़की होती है तो लड़की का माहौल बड़ा खुशी का तो होता है, लेकिन बड़ा गमगीन भी होता है, क्योंकि लड़की जो जा रही है तो माँ बाप को अपने कलेजे के टुकड़े को दूर करने के लिए बहुत दिक्कत जाती है। तो वहाँ पे सभी को आह्वान किया जाता है, पारा पारा वाटले बाबू वाले, एक मिनट में थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ। आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि आप मुझे क्षमा करें। पर्यावा टले बाबो अव्वाले, आजिता दो काकी का काले, तंगे तम्मू मामी मामाले, सरगन गुत वाता हुड़ाले, इमे के जा दाऊ के जा, सरगन गुत वाता हुड़ाले, इमे के जा दाऊ के जा। अरे कम कला वेखीता माफ करना, गले में खराश है, माफी चाहूंगा। अरे कम कला विकीता तन पीची ला विकीता, इंगा तंगे दिलाता, सिर डाल हुड़ा नावा पुंगर दी सिलाता, इंगा पुंगर दी सिलाता, सिर डाल हुड़ा नावा पुंगर दी सिलाता। तो यहाँ पे सभी सगाओं को आह्वान करते कि भाई आखिरी बार सब लोग आ जाओ, ये लड़की को हम लोग अपने हाथ से
तेल हल्दी चढ़ाते हैं उसके सिर पे और उसे आशीर्वाद स्वरूप ये सब होता है। तो उसकी भाभी भी कहती है कि सबको बुलाते हैं, सब लोग आते हैं और उसे हल्दी का लेपन लगाते हैं। तो नहलाने के बाद में उसकी भाभी जो कहती है ताना अंग जो विनता कि जो नवा सेरनाल मंदा, सेरनाल जो मंदा इत नवा इंगा पुंगार दिसी लाता, यानी एक फूल बना हुआ है, एक फूल बनी हुई है जो हमारी जो आज कली थी वो फूल बन गई, जिसे हम लोग आज कल रुखसत करने वाले हैं। तो ये इस गानों के माध्यम से, इस जो गाना के माध्यम से उसे हम लोग बढ़ाते रहते हैं। तो ये इतना अच्छा है कि